स्टेज पर एंट्री लेने से पहले जब एक एक्टर बैक स्टेज के अंधेरे में विंग के पास खड़ा होता है तो उसका दिल धक धक कर रहा होता है लेकिन वो स्टेज पे आता है एक लाइट का स्विच फ्लिप होता है उसके ऊपर रोशनी आती है और उसी धक धक के बीच उसे अपनी आवाज मिलती है और वो अपना पहला डायलॉग बोलता है मुझे अपनी आवाज तब मिली जब मैं दस साल का था और मैंने पहली बार अपने स्कूल के स्टेज पर गाना गाया 1999 की बात है उत्तर प्रदेश में एक शहर है सीतापुर मैं वहाँ का रहने वाला हूँ अच्छा बचपन में मैं एक शाय इंट्रोवर्ट आइडेंटिटी लेस बच्चा था ना तो पढ़ाई में ही अच्छा था ना तो लड़ाई में ही और हमारे स्कूल की जो हेडमिस्ट्रेस थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी मेरी मम्मी ने मुझे पुश किया कि तुम गाना बहुत अच्छा गाते हो क्यों ना तुम स्कूल में इस बार गाना गाओ तो बहुत हिम्मत करके एक बार मैं अपनी हेडमिस्ट्रेस के ऑफिस गया और मैंने बोला मैम आई वॉन्ट टू सिंग अ सॉन्ग ऑन इंडिपेंडेंस डे उन्होंने मेरा गाना सुना और मुझे बोला ठीक है तुम इंडिपेंडेंस डे पे गाना अब इंडिपेंडेंस डे पे मैं इंतजार कर रहा हूँ कि अब मेरा नंबर आएगा अब आएगा अब आएगा अब आएगा, आएगा पर मेरा नंबर आ, आया ही नहीं सारे सीनियर स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस तक टाइम अप हो गया और मैं बैठा का बैठा रह गया एक बार फिर मैं बहुत हिम्मत करके एक बार फिर हेडमिस्ट्रेस के ऑफिस गया मैंने उनसे बोला मैम आई वॉज सपोज टू सिंग ऑन इंडिपेंडेंस डे पर मेरा नंबर नहीं आया कैन आई सिंग ऑन सेकेंड अक्टूबर प्लीज़ उन्होंने कहा हाँ हाँ तुमने बोला था हाँ तुम सेकेंड अक्टूबर को गाना सेकेंड अक्टूबर को फिर मैं पूरी तैयारी के साथ बैठा हूं लेकिन सेकेंड अक्टूबर को भी मेरा नंबर नहीं आया फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई वॉज फेस्ड विद मोमेंट ऑफ डिसीजन वेर आई दर यू गेट अप एंड चेंज समथिंग अबाउट योर लाइफ और एल्सवेयर यू जस्ट लेट योर लाइफ गो ऑन एज इट इज मैं अपनी जगह से उठा दस साल का बच्चा दौड़ करके स्टेज के पास गया हेडमिस्ट्रेस को मैंने अप्रोच किया मैंने बोला मैम आई वोट सपोज टू सिंग ऑन फिफ्टीन अगस्त बट यू नो एंड देन यू सेकेंड अक्टूबर को गा लेना बट अगेन आई एम नॉट गेटिंग अ चांस टू सिंग कैन आई प्लीज सिंह आईव वर्क वेरी हार्ड फॉर इट उन्होंने मुस्कुराया और उन्होंने मुझे स्टेज पर जाने का मौका दिया पहली बार मैं स्टेज पे गया सामने पूरा स्कूल बैठा था मेरे हाथ कांप रहे थे मेरे माथे पर पसीना आ रहा था मेरी जबान का स्वाद बदल चुका था मेरा गला ऑलमोस्ट भराया था और मैंने आंखें बंद की और गाना शुरू किया जंग तो चंद रोज होती है जिंदगी बरसों तलक रोती है अच्छा मजे की बात यह है कि मैं तो परफॉर्मेंस एंगजाइटी से रो रहा था लेकिन लोगों को लग रहा था कि इतना छोटा बच्चा इतने इमोशन के साथ गा रहा है क्या बात है और जब मेरा गाना खत्म हुआ तो हमारी हेडमिस्ट्रेस मिस्ट्रेस मिस वो स्टेज पे आए उन्होंने बोला वी हैव अ किशोर कुमार इन अवर स्कूल दिस वन लाइन बिकेम द बेसिस ऑफ माई बींग अगर उस दिन मैंने हिम्मत नहीं दिखाई होती मैं मिस के पास नहीं गया होता तो शायद आज मैं बाय प्रोफेशन एक आर्टिस्ट नहीं होता और पता नहीं उस दिन मुझमें वो हिम्मत आई कहां से कि मैं उठ करके उनके पास गया दस साल का बच्चा और मिस फिजा आई थिंक टैलेंट अपने साथ अपनी एक फायर लेकर के आता है और वो फायर आपसे वो काम कराती है कि आपका टैलेंट नर्चर हो सके इस घटना के बाद मैं स्कूल में थोड़ा थोड़ा पॉपुलर होने लगा और जैसे जैसे मेरा कॉन्फिडेंट बढ़ता गया मैं बाकी चीज़ों में भी बेहतर हो गया मैं स्पोर्ट्स में अच्छा करने लगा पढ़ाई में अच्छा करने लगा एक्स्ट्रा करिकुलर्म में अच्छा करने लगा इसके बाद हर स्कूल फंक्शन पे मैं गाना गाता हूँ इनफैक्ट ग्यारह साल की उम्र में मैं अपने शहर के दूर दूर छोटी छोटी दुकानों पर जा के नुसरत फ़तेह अली खान गुलाम अली के एल सहगल बिस्मिल्ला खान विलायत खान इन सब की सीरीज़ लेके आता और घर पर बैठ करके सुनता कि ये लोग एक्चुअली म्यूजिक बनाते कैसे हैं और मैं इनसे क्या सीख सकता हूँ एंड आई ऑल्सो स्टार्टेड फीलिंग अ डीप अर्ज विद इन मी टू लर्न इंडियन क्लासिकल म्यूजिक तो जब मेरे क्लास के बच्चे फिजिक्स और मैथ्स की ट्यूशन के बाद घर जाते थे मैं एक तीसरी ट्यूशन पढ़ने भी जाता था म्यूज़िक की इनफैक्ट मुझे मैथ्स और फिजिक्स में भी इंटरेस्ट इसलिए रहता था क्योंकि मुझे बाद में म्यूजिक की ट्यूशन जाने का एक्साइटमेंट रहता था बट देन आई वॉज फेस विद अनदर मोमेंट ऑफ डिसीजन क्लास ट्वेल्थ में आई हैव टू डिसाइड कि मुझे ज़िंदगी में करना क्या है अच्छा मनी मन संगीत मुझे इतना मजा देता था कि मैं सिंगर बनना चाहता था पर आ, सीतापुर जैसे शहर में जनरली बच्चों के पास दो या तीन ही ऑप्शन होते हैं करियर के और सिंगिंग तो इसमें दूर दूर तक कहीं आता ही नहीं तो मैंने सोचा मेरे लिए ना एनडीए ठीक रहेगा मतलब बाकियों से सब कुछ थोड़ा अलग भी है और तभी वो लक्ष्य फिल्म आई थी ऋतिक रोशन की और मैंने सोचा कैसे ऋतिक रोशन सोल्जर बन जाता है मुझे बड़ा इंप्रेस किया था उस चीज ने तो मैंने कहा ये सही है देश के लिए जान दे देंगे तो मजे मजे में मैंने एनडीए का एग्जाम भर दिया एंड आई गॉट सेलेक्टेड आई डोंट नो हाउ मुझे लगा शायद यही होती है जिंदगी कि आपका पैशन कुछ और है पर आपको जिंदगी में पैसे कमाने के लिए काम कुछ और करना पड़ता है सो आई वेंट टू द डमी लेकिन अकेडमी पहुंचने के बाद मुझे ये यकीन हो गया कि ये जगह मेरे लिए नहीं बनी है दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी मैं art को पसंद करने वाला बच्चा कहां इस डिसिप्लिन कन्फाइंड इन्वायरमेंट में आ गया हूं जहां मैं ना लेफ्ट देख सकता हूँ ना राइट right. मतलब अगर आसमान में एक चिड़िया उड़ रही है और मुझे वो सुंदर लग रही है मैं ऊपर देखना चाहता हूं तो नहीं देख सकता कमांडिंग ऑफिसर डांट देगा मैंने फोन उठाया और अपने पापा को बोला कि पापा मैं अकेडमी छोड़ना चाहता हूँ उन्होंने कहा है अकेडमी छोड़ दोगे तो करोगे क्या उसी धक्धक के बीच मैंने कहा मैं सिंगर बनना चाहता हूं मेरे पापा के पैरों के नीचे से तो ज़मीन नहीं घिसक गई और उसके बाद हमारे बीच एक लंबा डिस्कशन शुरू हुआ जो कि कई दिनों तक चला जिसमें मतलब थैंकफुली माय पेरेंट्स वर सो अंडरस्टैंडिंग और थोड़ा क्रेडिट मैं खुद को भी देना चाहूंगा क्योंकि मैंने उनसे लड़ा नहीं मैंने उनसे बात की मुझे याद है मैंने अपने पापा को बोला था कि पापा अगर ए आर रहमान को बोलोगे ना कि क्रिकेट खेले तो सचिन जैसा छक्का नहीं मार पाएगा और सचिन को बोलोगे म्यूजिक बनाए तो नहीं बना पाएगा माई फादर अग्रीड एंड आई द दी अच्छा उड़ता उड़ता मैंने सुना था कि अगर आर्टिस्ट बनना होता है ना तो आपको आव, मास कॉम करना चाहिए तो मैंने मास कम्युनिकेशन के कॉलेज ढूंढे और पुणे में एक मास कम्युनिकेशन का कोर्स ज्वाइन किया साथ साथ मैंने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सीखना भी शुरू किया अच्छा आप में से कितने लोग आईआईटी बॉम्बे के कॉलेज फेस्टिवल का नाम जानते हैं मूड इंडिगो कई लोग जानते हैं स्टूडेंट्स हैं तो मैं अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए मूड इंडिगो गया था एज अ सिंगर एज अ सिंगर तो मुझे कोई अवार्ड नहीं मिला पर हमारे कॉलेज की जो एक्टिंग टीम थी उसमें एक एक्टर कम था एंड द एक्टिंग टीम अप्रोच मी कि क्या आप परफॉर्म uh, करोगे मैंने कहा ठीक है मैं तो एक्साइटेड ही रहता था नई अपॉर्चुनिटी के लिए बेसिकली अ मेल वॉज सपोज टू परफॉर्म एज अ फीमेल एंड नो बडी वॉज रेडी टू डू इट वेर आई एस आई अपॉर्चुनिटी विलिंगली मैं स्टेज पे गया फीमेल बन के और मैंने एकदम दिल खोल के परफॉर्म किया जब वो परफॉर्मेंस खत्म हुआ और अंत में अवार्ड सेरेमनी हुई तो टू माई सरप्राइज आई गॉट द बेस्ट एक्टर अवॉर्ड ऑन माई डेब्यू और उस अवार्ड में एक प्रीमियर एक्टिंग इंस्टीट्यूट का एक्टिंग कोर्स था फ्री ऑफ कॉस्ट अब बनने गए थे सिंगर झोली में आ गया एक्टिंग कोर्स पर जैसा कि जावेद अख्तर लिखते हैं कि क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा तो मैंने वो एक्टिंग कोर्स ज्वाइन कर लिया और उस एक्टिंग कोर्स को ज्वाइन करने का एक फायदा और हुआ कि मुझे पृथ्वी थिएटर जाने का मौका मिला जब मैंने पृथ्वी थिएटर में पहली बार प्ले देखा मेरे तो होश ही उड़ गए मतलब आ, आ, मुझे ये समझ में आया कि थिएटर एक ऐसी विधा है जिसमें सारी बाकी कलाएं समाहित होती हैं एक्टिंग uh, भी है उसमें डायरेक्शन भी है राइटिंग भी है सिंगिंग भी है पेंटिंग भी है एस्थेटिक्स भी है सेट डिजाइनिंग भी है लाइट डिजाइनिंग भी है एंड मोर देन दैट इट टीचेज यू अबाउट लाइफ थ्रू इट्स इट्स ब्यूटिफुल प्लेस तो कहने का मतलब ये है कि अगर जिंदगी में आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां आपके सामने बहुत सारे दरवाजे हैं और आप कोई एक दरवाजा खटखटा रहे हैं और वो खुल नहीं रहे और अचानक से आपके पीछे एक दूसरा दरवाजा खुल जाए तो एक बार उस तरफ जाकर के झांक के देख जरूर लेना चाहिए भले ही आप फिर वापस आ जाओ क्या पता उस दरवाजे के अंदर कुछ ऐसी चीज हो जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की या शायद कुछ ऐसी चीज हो जिसे आप हमेशा से पाना चाहते थे कोई ऐसी चीज हो जिसे आप हमेशा से पाना चाहते थे मतलब एक प्ले देखने के बाद तो मेरे तोते उड़ गए और मैंने देखा कि पृथ्वी थिएटर में रोज नए नाटक होते हैं रोज नई नई कहानियां परफॉर्म होती है अलग अलग डायरेक्टर्स के द्वारा मुझे लगा ये तो मेरे हाथ में खजाना आ गया मैंने रोज पृथ्वी थिएटर में प्लेज देखना शुरू किया सब अपने अपने तरीके का थिएटर करते थे लेकिन मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया एक आदमी के थिएटर ने जिनका नाम है मानव कौल जो कि एक्टर और थिएटर डायरेक्टर राइटर हैं जब मैंने उनके नाटक देखे तो मुझे लगा अरे इनके नाटकों में काम करने का मौका मिल जाए उस स्टेज पे मैं पहुंच जाऊं इनके नाटक के थ्रू तो मजा ही आ जाएगा तो मैंने अपने ब्लिंकर्स लगाए और मैंने उनके प्रोडक्शन मैनेजर को फोन करना शुरू किया करीब एक साल तक मैंने उसे फोन करता रहा लेकिन उसने कभी मेरा फोन उठाया नहीं या निगेटिव में ही जवाब दिया और ये वो वक्त था जब मेरे कॉलेज के बाकी लोग और मेरे स्कूल के लोग भी कुछ जॉब करने लगे थे कुछ फोटो डालते थे फेसबुक पे हमने गाड़ी खरीद ली कुछ की शादी हो गई थी कुछ के बच्चे भी हो गए थे और मैं कांदीवली के एक छोटे से फ्लैट में आसमान ताकता रहता था कि अगर एक्टर बनना है तो आखिर करें क्या इतने बड़े शहर में जाए कहां और एंगजाइटी इतनी ज्यादा होती थी कि दोपहर में ढेर सारा चावल खाता था और सो जाता था कि कम से कम दो तीन घंटे तो एंग्जाइटी नहीं होगी ऐसी ही एक दोपहर मैंने सोचा कि घर से निकलना जरूरी है तो भले ही पृथ्वी थिएटर जाता हूं एक चाय पी करके वापस आ जाऊंगा मैं पृथ्वी थिएटर गया पैसे होते नहीं थे तो बस और ट्रेन से धक्के खाते हुए पहुंचा पृथ्वी थिएटर वहां से मैंने मानव कॉल के प्रोडक्शन मैनेजर को एक बार फिर फोन किया और बोला कि सर तो वो बोलता है कि एक्चुअली अजितेश हम लोग ना शहर में है नहीं हम लोग का शो आउट ऑफ टाउन है तो हम लोग कहीं बाहर हैं वापस आके बात करते हैं तभी मैंने देखा कि पृथ्वी के बुक शॉप के पास एक घुमराले बाल वाला लड़का फोन पे किसी से बात कर रहा है तो मैं उसके पास गया फोन पे बात करते करते ही पास जा जाके जा जाके जा जा मैंने उसके कंधे पे टैप किया उसने मुझे देखा बोला अजितेश और मुझे उसकी आवाज उधर से भी आई और इधर से भी आई तो बोला सॉरी भाई यार हमारे ग्रुप में एक्चुअली कोई जगह नहीं है मैं क्या करूं मैंने कहा भाई कुछ भी मुझे बस लिए चलो मैं झाड़ू लगा दूंगा पोछा लगा दूंगा मैं चाय पिला दूंगा जो कहोगे कर दूंगा जस्ट प्लीज टेक मी विद यू और उस दिन मैं पहली बार मानव के रिहर्सल में पहुंचा और उस नाटक में उन्होंने मुझे दो लाइन का एक रोल दिया लेकिन मेरा थिएटर के प्रति लगाव इतना ज्यादा था कि मुझे जहां जो काम दिखता मैं वो करने लगता सेट में मैं इन्वॉल्व हो गया कॉस्ट्यूम में बैक में चाय पिलाना पानी पिलाना सफाई करना जो काम मिलता था मैं करता था और एक और काम मैंने किया कि जितने भी सीनियर एक्टर्स थे उनके लाइंस और मूव्स मैंने याद करने शुरू कर दिए कि जिस दिन भी कोई बड़ा एक्टर एबसेंट होगा मैं खड़ा हो जाऊंगा बोलने की मुझे आता है मैं करता हूं शायद मेरे इसी सिंसियरिटी को देख करके मानव ने मुझे अपने अगले नाटक में एक प्राइमरी रोल दे दिया तो यहां पर कहना मैं ये चाहता हूं कि तब मैं अच्छा एक्टर नहीं था मतलब एक्टर ही नहीं था तब तो मैं अभी भी बहुत अच्छा नहीं हूं ठीक ठाक कर लेता हूं बट हर बार जरूरी नहीं होता है कि आपका आउटपुट क्या है कई बार यह जरूरी होता है कि आप इनपुट क्या दे रहे हो क्या आप अपना हंड्रेड परसेंट इनपुट दे रहे हो और देखते ही देखते जिन कहानियों को पहले मैं ऑडियंस में बैठ करके देखा करता था स्टेज पे घटते हुए अब मैं उनका हिस्सा होने लगा था अच्छा थिएटर करने के साथ बहुत जल्दी मुझे यह बात समझ में आ गई थी कि एक्टिंग एक ऐसी विधा है जो लंबा वक्त मांगती है बहुत जल्दी नहीं आने वाली मतलब एटलीस्ट मुझे तो नहीं आने वाली

उसमें जो ओवर नंबर ट्वेंटी से लेके ओवर नंबर थर्टी फाइव तक का टाइम होता है ना वो जनरली वो टाइम होता है जिसमें प्लेयर्स सिंगल डबल लेकर के टुक टुक करके खेलते हैं ताकि एंड में वो पावर हिटिंग कर सके तो मेरे एक्टिंग इनिंग्स का जो ये फेज था ये वही फेज था जब मैं छोटे 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 काम कर रहा था ताकि मैं इस शहर में खुद को सस्टेन कर सकूं और अंत में एक्टिंग कर सकूं सीख सकूं थिएटर डायरेक्टर गुरु पद्मभूषण पंडित सत्यदेव दुबे कहते थे कि एक्टिंग सिखाई नहीं जा सकती एक्टिंग सीखी जा सकती क्या मतलब हुआ इसका बेसिकली एक्टर को अपना गुरु खुद बनना पड़ता है खुद उसको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है पर कैसे तो मैंने रुक किया किताबों का दुनिया के जितने भी बड़े लेखक हैं बड़े राइटर्स बड़े पेंटर्स बड़े एक्टर्स बड़े लीडर्स बड़े रिवोल्यूशनरीज थिंकर्स फिलोसफर्स इन सबकी किताबें मंगाई और पढ़नी शुरू की तो तब तक तो मैं अपनी लिमिटेड समझ के हिसाब से दुनिया को अप्रोच कर रहा था एक्टिंग सीख रहा था लेकिन अगर मुझे अपना होराइजन एक्सपैंड करना था तो मैं क्या करता तो इन लोगों को जिन्हें मैंने पढ़ा उनकी फिलॉसफी धीरे धीरे मैंने आत्मसात करना शुरू की और मेरी ग्रोथ का रेट डेफिनेटली मच बेटर हो गया मैंने एक वर्ल्ड व्यू डेवलप किया मुझे दुनिया थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी बुक्स बिकेम माई बेस्ट फ्रेंड्स राइटर्स बिकेम माई टीचर्स एंड दे फिलोसफीज बिकेम माई गाइड लेकिन लाइफ हमेशा इतनी हंकी डोरी नहीं होती है तकलीफें आती हैं तो 2016 के एंड में मेरे जीवन का वो फेज था जहां मैं प्रोफेशनली फाइनेंशियली और पर्सनली अपने लोएस्ट पे था कई सारे महीने ऐसे गुजरे जहां मेरे पास काम नहीं था पैसे नहीं थे समझ नहीं थी कि अब आगे क्या करूं थिएटर मेरे लिए मोनोटनस हो चुका था किताबें पढ़ने का मन नहीं करता था मैं पूरा पूरा दिन बिस्तर पे लेटे सीलिंग ताकता रहता था और अगर मेरे पेरेंट्स का फोन आता था तो ऐसे बात करता था जैसे सब कुछ ठीक है बहुत अच्छे से फुल एनर्जी से बात करता था कि उन्हें ना पता चले ऐसी ही एक हताशा से भरी दोपहर में मेरे अंदर से एक आवाज़ आई कि गेट अप एंड डू वॉट इज इन योर हैंड्स फेट अबाउट द रिजल्ट और ठीक उसी पल मैंने अपने आप को बिस्तर से उठा दिया थैंक गॉड कि मैंने उठा दिया क्योंकि अगर शायद उस पल में नहीं उठा होता तो यह ख्याल धुंधला पड़ जाता और शायद मैं कुछ और महीने वैसे गुजार देता लेकिन मैंने उसी पल उठा आई स्टार्ट वर्किंग आउट आई स्टार्ट ईटिंग गुड फूड आई स्टार्ट डूइंग माई म्यूजिक रियाज एवरी डे आई स्टार्ट रीडिंग बुक्स मैंने सिनेमा देखना शुरू किया फिर से मैंने नोट्स बनाने शुरू किए एक्टिंग के अपने ऊपर काम करना शुरू किया जैसे कि निदा फाजली एक राइटर हैं वो कहते हैं कि अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए घर में बिखरी हुई चीज़ों को सजाया जाए जो कि मैंने करना तब शुरू किया ऑल्सो वट एन एक्टर डज इन द फ्री टाइम डिक्टेट्स हाउ दे आर गोइंग टू परफॉर्म वेन दे डू गेट वर्क ये ट्रांसफॉर्मेशन करते ही एक महीने बाद मुझे अपनी पहली फिल्म मिली शादी में जरूर आना जो कि 2017 में रिलीज हुई थी दैट फिल्म डिड वेरी वेल पर जब मैंने अपना परफॉर्मेंस बड़े पर्दे पर देखा तो मुझे लगा कि मैंने तो बहुत एवरेज काम किया है मतलब इज अ लॉट आई नीड टू स्टिल अंडरस्टैंड एंड लर्न आफ्टर अ लॉट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन आई फाउंड आउट कि मैं एक्चुअली एक रट में हूँ एक चक्र में हूँ दूसरे एक्टरों जैसा बनना चाहता हूँ जो सक्सेसफुल हो चुके हैं लेकिन मैं कौन हूँ मैं तो वो बच्चा था ना जो सीतापुर के स्टेज पे जाने के लिए एक्साइटेड रहता था मैं वो बच्चा था जिसे बचपन से ही फिलॉसफी हिस्ट्री लैंग्वेजेस कल्चर म्यूजिक लिटरेचर इन चीज़ों में इंटरेस्ट था वो बच्चा कहाँ गया बेसिकली बाकी एक्टरों जैसा बनने के लिए एक्टिंग की दुनिया में फिट इन होने के लिए मैंने अपने उस स्पेशल बच्चे को खुद ही पीछे छोड़ दिया था एक कहावत है कि चलना आपको कुदरत सिखाती है मगर ठहरना खुद सीखना पड़ता है जीवन में पहली बार मैं ठहरा और यहां भी मुझे गाइड किया मेरे संगीत ने मुझे हमेशा से सूफी म्यूजिक बहुत फैसिनेट करता था तो मैंने सूफी म्यूजिक पे रिसर्च करना शुरू किया कवाली समझना शुरू किया सूफिज़म पर रिसर्च किया एक सूफ़ी सेंट है अमीर खुसरो उनकी लाइफ पर रिसर्च किया दो साल के इस प्रोसेस में मैंने उर्दू लिखना पढ़ना सीखा कुरान बाइबल गीता गुरु ग्रंथ साहब ताउज़म ये सब कुछ पढ़ा बुल्ले शाह मीराबाई शहजोबाई ग़ुलाम फरीद रूमी अमीर खुसरो संत कबीर इन सब के लिटरेचर को पढ़ा समझा अपने अंदर आत्मसात किया उर्दू स्टोरी टेलिंग का एक आर्ट फॉर्म होता है दास्तान गोई मरहूम दास्तान गो अंकित चड्ढा को यूट्यूब पर देख देख के मैंने दास्तान गोई करना सीखा और अपने दोस्त एक्टर और म्यूजिक डायरेक्टर मोहित अग्रवाल के साथ एक प्ले क्रिएट किया म्यूजिकल दास्तान गोई प्ले अमीर खुसरो की लाइफ पर जिसको मानव कॉल ने प्रोड्यूस किया और उसके अभी तक हम करीब साठ से ज्यादा शोज कर चुके हैं ऑल ओवर इंडिया काफी सक्सेसफुली रन कर रहा है तो अभी तक मैं दूसरों की कहानियों में एक किरदार होता था किसी और राइटर किसी और डायरेक्टर की पहली बार मैं दुनिया के सामने अपनी लिखी हुई कहानी ला रहा था लेखक विनोद कुमार शुक्ल लिखते हैं कि मूर्ति बनाते वक्त कुछ बदल जाता है मूर्ति में नहीं मूर्तिकार में तो ये जो दो साल का प्रोसेस मेरा था जिसमें मैं ठहर के खोजबीन की उसके बाद मेरे अंदर कुछ ऐसा बदलाव हुआ दैट आई स्टार्ट एड डिस्कवरिंग दिन साइड मेरे परफॉर्मेंसेज बेटर होते गए मेरे ऑडिशंस बेटर होते गए मेरे परफॉर्मेंसेज में थोड़ा ठहराव आने लगा और इसके कुछ वक्त बाद ही मैंने दो बड़े वेब सीरीज में प्राइमरी पार्ट्स किए एक डॉक्टर अरोड़ा और दूसरा घर वापसी जिसमें घर वापसी के लिए मुझे फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर ओ का नॉमिनेशन भी मिला अभी जीता नहीं हूं जीत जाऊंगा फिर और तालियां <laughs> तो कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए वो जो सीतापुर वाला बच्चा था अजितेश वो दस पे था और आज मान लेते हैं कि मैं एट्टी पे हूं अगर उस दस वाले से बोला जाता कि तुमको वहां पहुंचना है एट्टी पे तो शायद वो तभी डर जाता उसे लगता है अरे रे वहां कैसे पहुंचेंगे हमारे बस की बात नहीं हम तो सीतापुर में रहते हैं हमारे पास तो कोई ट्रेनिंग ही नहीं है कोई बैकअप ही नहीं है बंबई शहर में कैसे वहां पहुंचेंगे लेकिन मजे की बात यह है कि मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने हमेशा प्लस फाइव पे फोकस किया और वो प्लस फाइव करते 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 मैं यहां एट्टी तक पहुंच गया ये एट्टी पर मेरा पहुंचना उस प्लस फाइव का बाय प्रोडक्ट है हमारे उपनिषदों में कॉन्सेप्ट आता है चरे वेती चरे वेती लिखते हैं कि जैसे मधुमक्खी मधु अर्जित करने के लिए सदैव चलायमान रहती है जैसे एक चिड़िया भोजन प्राप्त करने के लिए एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक उड़ती फिरती है जैसे सूर्य हमेशा हमें प्रकाश देता ही रहता है वैसे ही हे मनुष्य तुम भी सदैव चलते रहो चलते रहो चलते रहो

गैब्रियल गार्सिया मारखेज लिखते हैं कि इंसान सिर्फ उस दिन पैदा नहीं होते जिस दिन उनकी माए उन्हें जन्म देती हैं जिंदगी बार बार आप पर यह एहसान करती है कि आप हर नई सुबह खुद को नया जन्म दे सकें इनफैक्ट कल घर जाके भी मेरा अगला फोकस प्लस फाइव पे ही होगा और मेरे लिए तो ये टेकटॉक भी एक्चुअली प्लस फाइव ही है थैंक यू वेरी मच